कम से कम इस 2020 में अपने कर्मों पर ध्यान देना और कभी भी गलत काम नहीं करना। इसीलिए जितना कर्मों पर ध्यान देंगे सब कुछ ठीक चलेगा। यह है कर्मों की घुई गति। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो हमारे ही, कईयों को लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इतना सत्य हूं अच्छा हूं तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? भले आप सच्चे हैं इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में कहते का लास्ट में और एक घटना में, मेरे पास तो बहुत सारे कर्मों का इतनी सारी बातें हैं। हाँ, तो लास्ट में सुना करके पूरा करता हूं, क्योंकि वर्तमान समय आज हमें दुख है। ये क्यों मैंने सुनाया? आज के दुखों का कारण यही है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए मैंने इसके गहराई में आपको बताया। नहीं तो कई कहते हम ज्ञानी हैं, लोग भी कहेंगे अरे इनको परमात्मा पढ़ाता है तो भी ये दुखी क्यों है। भले परमात्मा पढ़ाता ही जन्म में पढ़ाता है, लेकिन पिछले जन्म का कोई ना कोई कहते एक दो व्यक्ति व्यक्ति कहीं जा रहे थे, एक ईमानदार था दूसरा बेईमानी का काम करता था, तो दोनों कहीं जा रहे थे। ईमानदार को एक क्या बेईमान वालों को एक पैसे का पॉकेट मिल गया। पैसा किसको मिलना चाहिए था? ईमानदार को, लेकिन मिला किसको? बेईमान को। और जैसे आगे गए ईमानदार को कहता है किसी का गिर गया होगा आप दे दो। वो कहता है मैंने सोचा तुमको याद आई सा दूं, लेकिन तुम बहुत ईमानदार है तुम्हें नहीं दूंगा, मैं मेरे पास ही रखूंगा। आगे गए ईमानदार के पाँव में दो कांटे चुभ गए। कांटे किसको चुभना चाहिए था? बेईमान। लेकिन चुभा किसको? ईमानदार के। तो ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा विष्णु शंकर देख रहे थे, उनको तो बड़ा बुरा लगा, उनको लगता है संसार में नीचे अन्याय हो रहा है। तो जिसने दुनिया रची उनके पास गए, शिव जी के पास, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कहते भगवान आपके संसार में नीचे अन्याय हो रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने नीचे लोगों को समझा के भेजा है, चाहे कलयुग हो चाहे कुछ भी हो, तुम कर्म अच्छा करोगे तुम्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा। नहीं नहीं हमने आंखों से देखा है दो व्यक्ति का जन्म, कहा कि एक ईमानदार था तो भी उसको काटा चुभ गया, बेईमान वालों को पैसा मिल गया। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मैं दिखाता हूं। वो दोनों का पिछले जन्म दिखाया। जब पिछला जन्म दिखाया, जो व्यक्ति बेईमानी करता था पिछले जन्म में बहुत ईमानदार था, जब ईमानदार था उसको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, ईमानदारी का प्राइज मिलने वाला था। लेकिन जब वो ईमानदार था लोगों ने उसको तंग किया परेशान किया, उसको लगता मैं इतना ईमानदार था तो भी मुझे तंग किया, मैं अगले जन्म में कभी भी ईमानदारी का काम नहीं करूंगा। और इसी विचार से क्या बना? बेईमान। जब बेईमान बना उसको जो प्राइज था इनाम था कम होते होते एक बटवा जितना बाकी था, इसीलिए उसको बटवा मिला। बटवा कोई इसके बेईमानी का फल नहीं था, पिछले जन्मों के ईमानदारी का फल था। और जो ईमानदार था जिसको काटे चुभे थे, वो पिछले जन्म जब उसका दिखाया वो बेईमानी का काम, इतनी बेईमानी उसको मौत की सजा थी, लेकिन उसको लगता है मैंने बहुत बेईमानी की इस जन्म में अच्छा बनूंगा। और जब अच्छा करना शुरू करता है उसकी मौत की सजा कम होते 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 दो कांटे जितने रही, इसलिए उसको काटा चुभ गया। इसलिए आज हम कितने भी अच्छे भक्ति कर रहे हैं अच्छा काम करें तो भी प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम पिछले जन्मों का हिसाब है, उसमें कभी हलचल में नहीं आना। नहीं तो कभी कभी हम हलचल में आ जाते हैं, विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म गति के ज्ञान के गहराई में रहो तो वर्तमान समय आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे, सदा अपना मन बुद्धि को स्थिर रख सकेंगे।